अगर आपका बजट 50,000 है और आप उसके अंदर एक बढ़िया पावरफुल लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे सके और आप गेमिंग भी कर सको और थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग भी कर सके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 लैपटॉप जो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेंगे, जिससे आप सभी कुछ काम आराम से कर पाओगे, जो परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से आपके लिए वर्थ इट है। दिस इज टेक होम, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर Lenovo IdeaPad Slim 3 जो कि बजट लैपटॉप में काफी पॉपुलर है। इसके अंदर आपको मिल जाता है AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर, मल्टीटास्किंग और इवन लाइट गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। इसके अंदर हमें मिलता है 8GB रैम और 512GB SSD, 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, काफी ब्राइट और शार्प है। इसके स्लिम बेजल्स और कम्पैक्ट डिजाइन के हिसाब से काफी प्रीमियम फील होता है। ओवरऑल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए काफी बढ़िया लैपटॉप है, आप परचेज कर सकते हो, आपका डे टू डे काम इजिली हैंडल कर सकता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास HP 15S, इंटेल i5 11th जेन प्रोसेसर, स्पीड और एफिशिएंसी के हिसाब से काफी बढ़िया होते हैं। स्पेशली अगर आपको मल्टीटास्किंग पसंद है या फिर थोड़े हैवी ऐप चलाते हो ना, तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD मिल जाती है, जो इस बजट में फास्ट परफॉर्मेंस और इनफ स्टोरेज प्रोवाइड करता है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन है, देखने में काफी इंप्रेसिव लगता है, कलर्स काफी ब्राइट है। ये लैपटॉप काफी लाइट वेट है, तो आप इसको कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो वहां ले जाओ, अगर घूमने जा रहे हो तो वहां ले जाओ, ऑफिस जा रहे हो वहां ले जाओ, जहां आपका मन करे वहां ले जाओ। ऑफिस वर्क या ऑनलाइन क्लास, स्पीड और एफिशिएंसी आपको दोनों मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास Acer Aspire 5, इसमें हमें मिलता है AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर और काफी स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। और इसके अंदर हमें मिलता है 8GB रैम और 512GB SSD, जो कि आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है। अगर आप मूवीज, वेब सीरीज के शौकीन हो तो लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, और लाइट गेमिंग भी आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे। और इसके अंदर हमें मिलता है कीबोर्ड बैकलाइट, कम लाइट के अंदर भी आप इसको आराम से यूज कर पाओगे। ओवरऑल Acer Aspire 5 स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। नेक्स्ट है हमारे पास Dell Inspiron 15 की 3000 सीरीज। Dell के लैपटॉप बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से काफी बढ़िया रहते हैं। इस लैपटॉप में मिलता है Intel Core i5 11th जेन प्रोसेसर, जो कि मल्टीटास्किंग के लिए काफी बढ़िया है। MS Office, Zoom और बाकी अदर टैब्स आप पैरेलली यूज कर सकते हो। इसमें हमें मिलता है 8GB रैम और 512GB SSD, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है। डिस्प्ले काफी डिसेंट है और कलर वाइब्रेंट फील होते हैं। Dell के लैपटॉप थोड़े बल्कि तो होते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, आप लॉन्ग टर्म इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग लैपटॉप चाहिए तो आपके लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगा, आप Dell को चूज कर सकते हो। लास्ट हमारे पास Asus VivoBook 15, ये लैपटॉप Intel i3 11th जेन प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि मिड रेंज के हिसाब से काफी बेस्ट लैपटॉप है। और डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है। इसका डिजाइन काफी स्टाइलिश है और दिखने में काफी स्लिम लैपटॉप है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये लैपटॉप आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा, हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग और हल्का फुल्का गेमिंग आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे। ये थे हमारे टॉप 5 लैपटॉप अंडर 50,000। हर एक लैपटॉप में कुछ ना कुछ यूनिक है, किसी में फास्ट परफॉर्मेंस, किसी में बेटर डिस्प्ले और किसी में बैटरी लाइफ, और कोई लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया, जैसे कि Dell। अपने नीड और अपने बजट के हिसाब से कोई बढ़िया लैपटॉप चूज करो और हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा। और अगर आपको टॉप लैपटॉप अंदर 70,000 के अंदर की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। पहुंचेगी नहीं, मतलब कुछ दिनों में हम अपलोड कर देंगे। और दोस्तों सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए